वेरी गुड इवनिंग. अभी बज रहे हैं 8 o'clock और हम जा रहे हैं अपना डिनर करने. तो हम अभी जाएंगे वर्कला क्लिफ्ट में ही अपना डिनर करेंगे. तो आज जो ऑलमोस्ट हमारा वर्कला में लास्ट डे होगा. हमने जो है 6 days वर्कला में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. जितना मैक्स से मैक्स चीज़ें हो सकती है वो हमने एक्सप्लोर किया. कैफ़े हो गए, वाटर एक्टिविटीज़ हो गए, सारा कुछ हम लोगों ने कवर किया है. तो मैं जो हूँ लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो ब्लॉग जाके देख सकते हैं. तो चलिए हम चलते हैं वर्कला क्लिफ्ट और करते हैं डिनर. आपको बताएंगे वहाँ पर हम कौन सा कैफ़े में जाते हैं और डिनर करते हैं. से वर्कला क्लिफ्ट स्टार्ट हो जाता है. तो आप नाइट में यहाँ आओगे उसका वाइब और मॉर्निंग का वाइब जो है कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है. तो यहाँ का नाइट व्यू और मॉर्निंग व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है. तो मेरे चैनल पे मॉर्निंग का भी वीडियो अपलोड किया है, नाइट का भी अपलोड किया है. यहाँ पे हमेशा बुद्धा कैफे में जो है हमेशा लाइव म्यूजिक होता रहता है. तो ये है यहाँ का बुद्धा कैफ़े. तो आप जैसे ही वर्कला बीच में एंटर करोगे कि स्टार्टिंग के ही कैफ़े में ये आपको देखने को मिलेगा. तो हम जब भी यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ की लाइव म्यूज़िक बहुत ही अच्छी रहती थी. तो आज जो है हम सडन प्लान कर रहे हैं कि यहीं से हमारा डिनर किया जाए, क्योंकि वर्कला क्लिफ्ट के साइड में जितने भी कैफ़े ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारा एक्सप्लोर किया है. तो यहाँ की आपको दिखाते हैं एम्बियंस प्लस लाइव म्यूज़िक. यहाँ पर आपको प्रॉपर कैंडल लाइट डिनर भी करवाया जाता है और सैटरडे संडे यहाँ पे डांस वगैरह भी होता है. बट हम तो आए हैं, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हम देखते हैं डांस होता है या नहीं होता है. अगर डांस होगा भी या नहीं होगा वो तो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे आपको हमेशा लाइव म्यूज़िक सुनने को मिलेगा. और मैंने जो इस कैफ़े के बारे में बहुत सुन रखा है इसलिए भी हम यहाँ से आए हैं. आज हम प्रॉपर सी फूड कुछ ट्राई करेंगे. तो हम वर्कला में जितने दिन भी रहे हैं तो मैंने फ़िश ही ट्राई किया है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ़िश मैंने जो है अभी तक नहीं खाया था, वो यहाँ से मैंने खाया है. तो चलिए अभी हम आपको देते हैं यहाँ का इंटीरियर, इंटीरियर कैसा है. हमने तो अपना टेबल ग्राउंड फ्लोर पे ही बुक किया था. अभी हम आपको लेके जाते हैं ऊपर और दिखाते हैं इनका ऊपर का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है. जब आप वर्कला बीच के लिए जाते हो तो ये बुद्धा कैफ़े का लाइव म्यूज़िक इतना रहता है कि आपको ये जो है ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करता है. तो यही रीज़न है कि हम भी जो है अपना डिनर करने यहीं आ गए हैं. हमारा प्लान तो नहीं था कि हम बुद्धा कैफ़े आज एक्सप्लोर करेंगे, बट चलिए सडन प्लान जो है ऑलवेज़ अच्छा होता है. तो ये इनका रहा सिटिंग अरेंजमेंट, काफ़ी अच्छा है इनका सिटिंग अरेंजमेंट. और यहाँ पे आपको जो है अल्कोहल वगैरह मिल जाएगी. तो अगर आप अल्कोहल यहाँ पे हर कैफ़े में, ऑलमोस्ट हर कैफ़े में आपको मिल जा रही थी हम लोगों का, तो अगर आप हो अल्कोहल लवर तो यहाँ पे आप देख सकते हो. अगर आप यहाँ पे अपना सीट बुक करते हो तो आप लाइव म्यूज़िक के साथ जो है अपना मील इंजॉय कर सकते हो. बट हमने जो है ग्राउंड फ्लोर पर करवाया है ताकि हम जो है आराम से अपना मील प्लस लाइव म्यूजिक जो है वो एंजॉय कर सके. ये रहा हमारा ऑर्डर. तो हमने ऑर्डर किया था सी फिश प्लेटर. तो
इसमें आपको 3 डिफरेंट टाइप की फ़िश देखने को मिलेगा, सैलड दिया जाएगा और फ्रेंच फ्राइज़ दिया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ के फ़िश की मैं बात करूँ तो इन लोगों ने मुझे दिया था स्क्विड फ्राई, लॉबस्टर एंड प्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं वही प्रॉन्स खा रही हूँ और मुझे यहाँ की फूड जो है काफ़ी यमी लगी। तो मैं यहाँ पे अपना मील इन्जॉय कर रही हूँ प्लस लाइव म्यूज़िक इन्जॉय कर रही हूँ। तो अगर आप बुद्धा कैफ़े आते हो, अगर आप लाइव म्यूज़िक स्पेशली शौकीन हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। और मुझे यहाँ का ये वाला जो प्लेटर मैंने ऑर्डर किया था वो काफ़ी डिलीशियस है। और मुझे यहाँ का प्रॉन्स इतना पसंद आया कि मैंने सेकेंड टाइम फिर से जो है प्रॉन्स ऑर्डर किया है। इस बार मैंने प्लेटर नहीं ऑर्डर किया, सिर्फ प्रॉन्स एंड फ्रेंच फ्राइज़ इन लोगों ने दिया है। यहाँ का प्रॉन्स काफ़ी डिलीशियस था। तो अगर आप आते हो तो यहाँ का प्रॉन्स ट्राई कर सकते हो। Do we like this? First I will present the sound of 3 different kind of instruments, B1, B2, B3. These 3 instruments are played together at the same time. तो हम लोगों ने कर लिया अपना डिनर। डिनर काफ़ी अच्छा था, एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे फूड से ज़्यादा एम्बियंस एंड म्यूज़िक लगा। तो अगर आप सैटरडे संडे आते हो तो इन लोगों का डांस वगैरह भी होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरा सैंडी बे वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो जाके देखो। अगर आप वर्कला आते हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि सैंडी बे एक बार तो जाना ही जाना चाहिए। वैसे गॉड्स ऑन कंट्री में भी ये लोग जो है हर रोज़ लाइव म्यूज़िक रखते हैं, तो आप वहाँ भी आ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग मॉर्निंग में गए थे, ऑलमोस्ट मैंने वर्कला के हर कैफ़े में खाना खाया है और रिव्यू दिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके चेकआउट करो। और मॉर्निंग में वर्कला बीच जो है डिफरेंट वाइब देता है, नाइट में अलग वाइब रहता है। तो आप दोनों के लिए मेरे चैनल पर देख सकते हो। होप आपको मेरा वर्कला का सीरीज पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।